स्टूडेंट अब हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन फ्रैक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 2 ऐड करा दे तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। If 3 is added to both numerator and denominator, लेकिन अगर 3 add कराए numerator और denominator में, तो fraction become 5/6 बन जाता है। Find the fraction, fraction को बताइए। तो fraction student हमारा किस form में होता है? Fraction हमारा numerator upon denominator की form में होता है। ऊपर numerator और नीचे denominator, इस form में हम अपने fraction को लिखते हैं। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो उसे करने के लिए हम मानते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कहती थी? अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करा दें यानी x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा दें यानी y प्लस 2 देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9/11। 9/11 बन जाता है तो 9/11 के बराबर रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कराएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 की यहां होगी और 9 की यहां होगी यानी 11 की मल्टीप्लाई यहां और 9 की मल्टीप्लाई यहां क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x 11 2 22 9y प्लस 9 2 18। हम y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो 11 माइनस 9y और 22 को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो -22 + 18 जो कि -4 मिलेगा। तो 11x - 9y = -4 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेंड हो गई। सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या था? अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन विल बी 5/6। तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। अगेन यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 6 की 6x प्लस 6 3 18 और 5 की y प्लस 3 में 5y प्लस 15। y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो 6x माइनस 5y और 18 को राइट हैंड साइड पे -18 + 15। तो हमें क्या ऑब्टेंड हुआ स्टूडेंट? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 2 ऑब्टेंड। इक्वेशन 1 इज दिस, इक्वेशन 2 इज दिस। इक्वेशन 1 के अंदर और इक्वेशन 2 के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड से x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहां देखें, यहां पर मुझे या तो x के कोफिशियंट या y के कोफिशियंट बराबर करने होंगे। मुझे x के कोफिशियंट की जगह y के कोफिशियंट को बराबर करता हूं। तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट कितना है? -9 एंड सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशियंट -9 एंड सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशियंट इज -5। तो मैं इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का कोफिशियंट 5 से और सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का कोफिशियंट 9 से ताकि इन दोनों के कोफिशियंट बराबर हो जाएं मल्टीप्लाई कराता हूं। 5 × 11x - 9y = -4 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट विल 55x - 45y - 20 एंड 9 × 6 = 54x, 9 × 5 = -45y, and 9 × 3 = -27। यहां पर हमारी दोनों इक्वेशन इस तरह से हो गई हैं। अब हमें यहां पर y के कोफिशियंट सेम हो गए लेकिन साइन सेम है और जब साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं। सब्ट्रैक्ट कराने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करें, यहां प्लस का माइनस, यहां माइनस का प्लस एंड देन प्लस माइनस का प्लस। -45 + 45 कैंसिल आउट, 55x - 44x = 1x एंड -20 + 27 = +7। x की वैल्यू हमें 7 मिली।
x की वैल्यू 7 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके y की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या आती है हमारी, 6x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। तो 6 इंटू में 7, x की जगह 7, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। 6 7s are 42, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। देन 42, 5y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस 5y, और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 3। 42 प्लस 3, 45 इज इक्वल टू 5y। देन y इज इक्वल टू नीचे ले जाएंगे 45 अपॉन 5, और डिवाइड होने के बाद 5 1s are 5, 5 9s are 45, y इज इक्वल टू 9 ऑब्टेंट हो गया। सो हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 9 आई है, तो फ्रैक्शन विल बी 7 अपॉन 9। तो हमारा फ्रैक्शन यहां पर फाइंड आउट हो गया है।